ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच हैं और प्रधान हैं, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जिस प्रकार से अभी बीजेपी सत्ता है तो आप इस वजह से कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, जमीनी हकीकत से आपको हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं टॉप भारत। टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट औरैया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना, जहां से हमारे साथ यहां के कुछ ग्रामीण स्थित मौजूद हैं और ग्रामीणों से हम जानेंगे कि 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और क्या जनता का फीडबैक है और 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में और हम खुद जनता से जानते हैं। जनता में हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं और यहाँ के मौजूदा प्रधान भी मौजूद हैं। तो जानते हैं जनता से क्या फीडबैक है। सबसे पहले नंबर हम प्रधान जी से ही जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण दोहरे। अच्छा, अपने ग्राम पंचायत में जैसे कि पिछली सत्ता में और इस सत्ता में आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, तो ऐसे पिछली सत्ता में बहुत सारे विकास कार्य वंचित रह गए होंगे, छूट गए होंगे, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि अपने ग्राम पंचायत में क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी वंचित हैं। मैं इस कार्यकाल में उनको पूरा करवा दूंगा। नहीं, जैसे कि मैं विकास कार्य मैंने बात की है, विकास कार्य जो वंचित हैं उनके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी छूटे हुए हैं। ऐसे फूचे हैं, वो टंकी वाला वो लगा था प्रोजेक्ट, उसके लाइन लाइन बिछने को है और रोड भी बनने को है। अच्छा, और अपने हमारे गांव का ये मंदिर बहुत पुराना है, इसकी बाउंड्री भी करवाने हैं। अच्छा, अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या लगता है ऐसे कि मतलब जल भराव, जैसे कि बरसात चल रही है तो जल भराव की स्थिति क्या बनी हुई है? अभी मेरे गांव में तो कहीं स्थिति नहीं है। ग्राम एक साइड है, वो नाली वाली है, उसको खुदाई करवा के वो उसको करवाना सही। ग्राम पंचायत जैसे कि कहना है सरकार का कि हर ग्राम पंचायत ODF होने वाली है, तो क्या लगता है शौचालय अपने यहाँ ODF हो गया? कुछ रह गए वो भी हो जाएंगे। कितना परसेंट वंचित अभी है? ऐसे लगभग रह गए 30%। 30% ऐसे मतलब जैसे कि पता लगता है और देखने में देखा जाता है कि ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं प्रधान के तरीके से जैसे लगता है, तो ज़मीनी हकीकत से मेरा एक सवाल ये भी है, मुद्दा है कि ज़मीनी हकीकत से अपने ग्राम पंचायत में आवास के पात्र कितने लोग हैं, मतलब जो ज़मीनी हकीकत से वाकई में आवास के 100% प्राप्त? लगभग मैं अभी मेरे हिसाब से मेरे गाँव में लगभग मैं 30-40% लोग हैं। 30-40% आवास के पात्र हैं। तो आपका काम क्या रहेगा कि आप जिस प्रकार हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आवास दिलाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे। सबसे ज्यादा गांव ग्रामीण स्थल में जिस प्रकार से आवारा जानवरों को लेकर मतलब किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो क्या लगता है अपने ग्राम पंचायत में गौशाला बनी है, चिन्हित है? मेरे गाँव गौशाला नहीं बनी है। क्या आपने सरकार से मांग की, अप्लाई किया है? मेरे गाँव गौशाला बनने के लिए कोई जमीन ही नहीं है। गौशाला बनने के लिए कोई जमीन नहीं, तो क्या लगता है मतलब दूसरे ग्राम पंचायत में या फिर दूसरे ब्लॉक के अंतर्गत अगर कहीं आपको गौशाला के लिए जगह अगर मिले तो क्या लगता है आप बनवाएंगे? अगर गांव बिल्कुल बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे? आपने कोशिश की अप्लाई करने की? अभी मैं 4 महीने हुए जाने के, अभी मैं क्या कोशिश करूँगा, करूंगा कोशिश। अच्छा, तो उसमें लगा हूँ मैं। अच्छा, तो और अपने ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से नाली और खड़ंजा को लेकर कोई समस्या बनी है क्या? नाली खड़ंजा कोई समस्या बनवा रहा है, अभी मेरे कार्यकाल में ही करवाया। जिस प्रकार से मैं कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा कि नाली खड़ंजा है तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। और एक मेन मुद्दे की बात है प्रधान जी, कि मेन मुद्दा जिस प्रकार से आ रहा है कि 2022 में ओपिनियन पोल हमारी जमीनी सर्वे चल रही है, तो 2022 में क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी महाराज बनेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी महाराज का ऐसा क्यों लगा आपको कि बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं तो लगा। जैसे कि बढ़िया काम? जैसे गांव नाली का विकास है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब साफ काम हो रहा। अब ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच हैं और प्रधान हैं, तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जिस प्रकार से अभी बीजेपी सत्ता है तो आप इस वजह से कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, जमीनी हकीकत से आपको हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी,